मुजफ्फरपुर पुलिस ने सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़ हुआ, जिसमें तीनों अपराधी को गोली लगी, जिसके बाद सभी को एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तीनों अपराधी कांटी थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए फाइनेंस ऑफिस से 27 लाख लूट का मुख्य आरोपी। वही मामले को लेकर जिले के एसएसपी राकेश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इन तीनों अपराधियों ने एक डेविड और राशिद भी शामिल है, जो लूट कांड का मास्टरमाइंड है। डेविड पर आरोप है कि इसने दिल्ली के एक मॉल को भी लूटा था, साथ ही अय्यापुर के चर्चित गल्ला व्यवसाय हत्याकांड में भी शामिल था, साथ ही अन्य जिला में कई बड़ी लूट की घटना को भी अंजाम दिया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से 5 जून 2023 को काटी थाना अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्पंदन माइक्रो फाइनेंस, जिसमें लगभग 27 लाख की लूट की घटना को अंजाम 6 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा दिया गया। इसी आलोक में एक एसआईटी पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें कांटी थाना अध्यक्ष, मोतीपुर थाना अध्यक्ष और डीआईयू के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो शामिल थे। ये एसआईटी की टीम इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कल 13 तारीख की शाम को कांटी थाना अंतर्गत ही लीची बागान के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि 6 अपराधकर्मी जो इस घटना में शामिल थे, वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं किसी नई योजना के साथ में। जब एसआईटी के सदस्यों के द्वारा वहाँ छापेमारी की गई तो उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए उनके पास से 3 लाख रुपये, 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 1 केजी अफीम जैसा पदार्थ भी बरामद किया गया, जिसकी हम लोग एफएसएल से जांच बाद में करवाएंगे। जो शेष 3 लोग थे वो भागने में सफल रहे एक बुलेरो गाड़ी के माध्यम से। टीम लगातार रेड कर रही थी। आज सुबह पूर्वी अनुमंडल में सिवाई पट्टी के थाना अंतर्गत पूर्वी एसडीपीओ श्री मनोज पांडे को सूचना प्राप्त हुई कि जो शेष 3 अपराधकर्मी हैं उस लोकेशन पर हैं। टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के क्रम में अपराधकर्मियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। लगभग 10 राउंड फायरिंग उनके द्वारा पुलिस के ऊपर की गई। पुलिस ने उनको चेतावनी जारी की कि आप लोग सरेंडर कर दें, और आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। 7 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से 3 अपराधकर्मियों को गोली लगी। एक अपराधकर्मी जिनका नाम डेविड है उनको 2 गोली लगी है। कौशल एक अपराधकर्मी, उनको 1 गोली लगी, और संतोष एक अपराधकर्मी, उनको भी 1 गोली लगी है। इन लोगों के पास से लगभग 9.5 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। जो लूटी गई राशि थी उसमें से एक लैपटॉप जिसकी लूट की गई थी वो भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक कार्रवाई है कंटीन्यूट कार्रवाई, उसको भी जब्त किया गया है। 20 राउंड जिंदा गोलियां जब्त की गई और 2 पिस्टल जब्त की गई। इसमें 2 अपराधकर्मी अभी और शेष हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास। सीमावर्ती इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई, क्या ये अपराधी जो है पैसे लेके कहीं और अन्य जगह पर जाने की तैयारी में? निश्चित रूप से चूंकि इनके 3 साथी कल शाम को गिरफ्तार किए जा चुके थे, तो ये लगातार अपने छिपने की जगह तलाश रहे थे, और हम लोग लगातार इनको सर्विलांस पे लेके और मानवीय इनपुट के आधार पर भी काम कर रहे थे। और ये घटना चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र में हुई है, तो संभवतः ऐसा रहा होगा कि इनका प्रयास होगा कि अन्य सीमावर्ती जिले में ये जाएँ, क्योंकि जिस जिले के सीमा पे इन लोगों के साथ में इनकाउंटर हुआ है पिछले माह, उनके द्वारा वहाँ एक बैंक में भी लूट की घटना कारित की गई थी। अन्य मतलब जो अपराधी इनकाउंटर जिनका